मेरी 6 महीने की बच्ची है, प्लीज। 6 महीने की बच्ची? एक 6 महीने की बच्ची को अपने बाप के बिना ही बड़ा होना पड़ेगा? नॉट फेयर। इतना बड़ा बाप मुझसे होने वाला था। जाने कुछ नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। कियारा रुको, नीचे मत उतरना। हेलो, हाँ हम कार में हैं, रास्ते में आ रहे हैं। सनी बाबा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और प्रज्ञा के बीच में क्या रिश्ता है? हमारे फैमिली और प्रज्ञा के बीच में भी क्या रिश्ता है? सबके सामने तुम कहते हो तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, और जब कोई नहीं देख रहा होता भगवान के सामने जाके रोते हो, प्रज्ञा के लिए प्रे करते हो। कुछ तो बात है जो मैं नहीं जानता। प्रज्ञा हमारे घर पर आई थी मेहमान बनकर। मैं दादी से मिलकर आऊं? अभी पूरब, तुझे पता है प्रज्ञा मेरी क्या लगती? क्या हुआ, वो ठीक है ना? पता ना पूरब, प्रज्ञा मेरे लिए क्या है? सिर्फ एक गेस्ट और कुछ भी नहीं। एक किंग मिला था मुझे, मुझसे पूछ रहा था कि मेरे और प्रज्ञा के बीच क्या है, क्यों मुझे उसकी इतनी फिक्र है। पूछ रहा था कि जिस तरह बाकी घर वाले प्रज्ञा को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, बाकियों के लिए भी वैसे ही रिएक्ट करते। और पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो मेरी गेस्ट है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इसलिए शायद उसे लेकर इमोशनल हो रहा हूं। पूरा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे इतना दूर चला जाऊंगा कि मुझे उसे गेस कहना पड़ेगा। मुझे याद है एक वक्त हुआ करता था जब मैं प्राउडली कहता था कि प्रज्ञा मेरी बीवी है, मेरा प्यार है, लेकिन अब तो मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ रहा है जैसे मैं अभी अभी मिला हूं उससे। इनफैक्ट बहुत सारी बातें तो छुपानी पड़ रही है। पता ये सब मैं किस लिए करूँ? सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रज्ञा को तकलीफ में नहीं देख सकता। जितनी तकलीफ मुझे हो रही है ना, मैं किसी को बता भी नहीं सकता बूढ़ा। इसलिए ये ना प्रज्ञा से दूर जाने से भी ज्यादा पेनफुल है यार। लेकिन तूने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने उसके सामने अपना प्यार छुपाया, जो खुद प्रज्ञा दी की इतनी फिक्र करता है। पर मुझे उसका इतना अच्छा होना अच्छा नहीं लगता। उसे जेलसी कहते हैं, और वो होती है। अब यही तेरी लाइफ है जो तुझे जीनी है। सच तू बोल नहीं सकता और वो सच देख नहीं सकता। पूरा तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो, प्रज्ञा जी को सिर्फ मैं नहीं, हम सब। थैंक यू कहना चाहता था। तुम्हारी वाइफ ने मेरी वाइफ को ब्लड दिया, मामूली बात तो है नहीं। तुम भी अपनी वाइफ को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। दिशा ने प्रज्ञा जी को खून देके खून का रिश्ता बना दिया, और जहां रिश्ते आ जाए वहां फॉर्मेलिटीज नहीं आती। आप सभी लोगों ने प्रज्ञा को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया है। ये देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हो गया, होना ही था। Thank God। वैसे क्या किया तुमने? I mean, उसे डराया, धमकाया, पैसे खिलाए, या फिर किडनैपिंग की? I'm sure किडनैपिंग की होगी, क्योंकि अगर उसे बिकना होता तो वो हमारे ही हाथों बिक जाता। नहीं किडनैप किया, नहीं धमकाया, सीधा उसकी जान ही ले ले। पता है तनु, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, कहा उसे कि अपना मुंह बंद रखना, उसकी जान बच जाएगी, लेकिन वो माना नहीं, सो मर गया। लेकिन बहुत सख्त जान थी उसकी, जा ही नहीं रही। तुम्हें पता है कैसे मारा मैंने उसे? भगा भगा के। पहले मैंने अपनी गाड़ी से उसकी बाइक को ठोका, मुझे ऐसा लगा कि वो मर गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, नहीं मरा सन। ऐसा लग रहा था कि ईमानदारी उसकी जान का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तुम्हें पता है फिर मैंने क्या किया? मैंने अपनी कार फिर रिवर्स ली, वो फिर उठा, उसकी पैरों में जान ही नहीं थी, लेकिन वो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। फिर मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, फिर मैंने उसे ऐसी टक्कर मारी कि उसकी जान ही निकल गई। थैंक यू सो मच। जो आदमी तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया था, मैंने उसकी जान ली, और सिर्फ थैंक यू। तनु, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा काम किया है, इसके बदले में तुम्हें मुझे देना हो। क्या? तुम सच में नहीं जानती कि ना समझ बन रही। खैर, जब मौका आएगा मैं तुमसे मांग लूंगा, और तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। प्लीज अभी बताओ, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बताओ ना निखिल। तनु, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। हेलो हेलो, कियारा बेबी, आपको मना किया था ना कि गाड़ी से मत उतरना। यहाँ पर एक्सीडेंट है। भगवान, चलो गाड़ी में चलो। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसी ने देखा है क्या? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अरे लगता है बेचारा मर गया। ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर था। एक्सीडेंट नहीं था मतलब? कोई इन अंकल को मार के चला गया, कार से इन अंकल का मर्डर कर दिया। मर्डर? ये एक्सीडेंट देखा किसी ने? हाँ मैंने देखा। देखा उनको जिसने मारा था। कोई इसे मार के भाग गया है। इस बच्ची ने सब अपनी आंखों से देखा है। उस आदमी को भी देखा है जिसने ये मर्डर किया है। इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी, ये भी बच्ची है। अरे इस बच्ची ने एक मर्डर होते हुए देखा है और यही है जो उस आदमी को पहचान सकती है, तो इसे तो पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा ना। नहीं, इसने कुछ नहीं देखा, ये भी बच्ची है, घबरा के सब कुछ बोल रही है। नहीं, मैंने डर के नहीं बोला, मैंने सच में सब कुछ देखा। वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। तुम पुलिस स्टेशन चलकर जो भी देखा है सब बताओगी पुलिस को? क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? बेटा चलोगी ना पुलिस स्टेशन, चल के बताओगी ना? हाँ। बेटी बोलोगी ना पुलिस स्टेशन में? हाँ मैं बोलूँगी। मैं कियारा के साथ हूँ। बहादुर बच्चे हैं, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, घबराओ मत, बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम लोग भी चलेंगे। हाँ हाँ हम भी इनके साथ हैं। How dare you, Aliya? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को धोखा देने की? धोखा? You know what, Thanu? शादी के बाद भी तुम्हारे भाई के साथ कोई रिलेशन नहीं थे तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे रिलेशन क्यों नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे रिलेशन तो उस निखिल के साथ। कब से रिलेशन बना के रखा है तुमने उसके? बताओ मुझे। जुबान संभाल के लिया। एग्जैक्टली जुबान तो मैं संभाल लूंगी तनु, लेकिन तुम अपना कैरेक्टर नहीं संभाल पा रही हो, ना शादी के पहले ना शादी के बाद। शादी से पहले तुम उस निखिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो शादी के बाद तो मुझे समझ नहीं आता अब तक कितने इमोशन हो चुके हैं तुम्हारे। Enough is enough, that's what I'm saying, तनु। बहुत हो चुका है, मैं अपने भाई के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती तनु, ना उस प्रज्ञा को भाई के साथ देख सकती, ना किसी कैरेक्टरलेस वुमन को अपने भाई के साथ देख सकती हो। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो आलिया, कोई तुम्हारी दोस्त नहीं जो बकवास सुनती जाऊंगी। भाभी हो तुम्हारी, अगर एक और वर्ड कहा ना तुमने तुम्हें तो तुम क्या करूंगी तो अब मैं, क्योंकि अपने भाई के साथ मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती तनु। चलो लीव माय हैंड आलिया। नहीं तनु, इनफ इज इनफ। जिस भाई को तुमने इतना धोखा दिया है ना, उनकी लाइफ और उनके घर से अब तुम्हें निकलना होगा। Get out from here. आलिया अगर अब तुम नहीं रुकी तो मैं ये तुम्हारे सर पे मारूंगी। निखिल के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम्हें उससे बात करते हुए। आलिया वन साइडेड कॉन्वर्सेशन सुन के ये अपना ओपिनियन मत बना। एक रीजन बता दो मुझे कि मैंने अभी को धोखा क्यों दिया होगा। अरे जिस लाइफ को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, मैं कोई भी ऐसा काम क्यों करूंगी कि उसी लाइफ को खतरे में डालूं यार। मैंने निखिल को इसलिए फोन किया ताकि मैं उसे ये कह सकूं कि जॉन को हॉस्पिटल जाने से रोके, और उसने अपना काम किया। जॉन इज डेड नाउ। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारा राज जानता हो। पर निखिल ही क्यों? तो क्या ये काम तो पूरब से करवाने वाली थी? अरे निखिल इस काम में एक्सपर्ट है, हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। एक तो मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी जान भी बचाई, ऊपर से तुम मुझे थैंक यू कहने की बजाय मुझ पे हाथ उठाया तुमने। अरे अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही थप्पड़ मारूंगी। डॉक्टर प्रज्ञा कैसी है? ऑपरेशन तो ठीक से हो गया ना? डॉक्टर साहब खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, शी इज आउट ऑफ डेंजर। हम उनसे मिल सकते हैं? हम सब लोग मिलेंगे, हम चलेंगे, चलो। देखिए उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन वो अभी काफी वीक हैं। आप सबसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप एक एक करके जाइए और प्लीज ज्यादा बात मत कीजिएगा। तो पहले कौन जा रहा है? तुम पहले जाओगे? तुम जाओ, तुम जाओ ना, हम बाद में चले जाएंगे। पहले तू क्यों नहीं गया? हाँ, प्रज्ञा से अभी भी गुस्सा है तो मुझे भेज देते, मैं चली जाती। घर में सबसे बड़ी कौन है, मैं या प्रज्ञा का बॉस? दीदी वो बॉस है ना, इसलिए उसे भेज दिया। उसे जल्दी जाना होगा ना। आप आइए मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताती हूँ सब। How are you feeling? Better. मैं तो होना ही था। सामने कौन बैठा? किंग सिंह। बाहर बैठे बैठे मैं तुम्हारे लिए गाना भी रैप कर लिया, लिख चुका हूँ। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा कि मुझे पता चल चुका है तुम्हें मेरा म्यूजिक बहुत पसंद है। Okay, ready? I'm gonna say it. Starts like this. बहुत हुआ तुम्हारा इंतजार, अब तो आना ही पड़ेगा तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर। डरना नहीं, रोना नहीं, नहीं करने देंगे डॉक्टर को तुम पे सत्याचार। अत्याचार, अत्याचार। मुझे पता था कहीं ना कहीं गलती जरूर करूँ। अत्याचार हिंदी टेढ़ी मेरी है, लेकिन गाड़ी मेरी रेडी है। So come on, hurry up. हो जाओ तैयार। Not home. हम जाएंगे नदिया के पार। So come on, get up. जल्दी करो तुम। यूं पड़े नहीं रहना है, हंसना है तुम्हें। नो गुम सुन, गुम सुन, गुम। आप बस रहने दीजिए, नहीं तो मैं हंसूंगी, मेरी सांस चढ़ जाएगी। हिंदी अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो हिंदी में क्यों लिखा रहा आप? जानबूझ के। तुम जब मेरी हिंदी सुधारती हो, राइट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्सीडेंट मेरा हुआ है, लेकिन दिमाग पर असर आपके पड़ गया। क्या है ये गलत है ना, आपको जाना चाहिए था ना अंदर। दिशा तुम ये कैसी बात कर रही हो? वही जो सही है, इन्हें जाना चाहिए था पहले अंदर, क्यों नहीं गए? दिशा अभी ने ठीक किया। जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से हम लोगों की हालत इतनी खराब थी कि किंग को हम पर शक हो गया था। तुमने देखा ना वो कैसे देख रहा था हमें, उसे लग रहा था कि हम इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं प्रज्ञा के लिए। और किंग को देखकर पता चल रहा था साफ साफ कि प्रज्ञा ने हमारे बारे में उसे नहीं बताया है। और अगर मैं जाता तो उसका शक पड़ जाता। क्यों बेवजह? बेवजह आप किंग के बारे में सोच रहे ना, और मैं प्रज्ञा दी के बारे में सोच रही हूँ। हो सकता है वो आपसे पहले मिलना चाहती हो, हो सकता है पहले वो मुझसे मिलना चाह रही हो, लेकिन अब टाइम अलग है ना, हालात अलग है, और रिश्ता तो अब है भी नहीं। जिससे उसका रिश्ता है वो जा रहा है उससे मिलने ना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दिल के रिश्ते सबसे बड़े रिश्ते होते हैं, जो आपका प्रज्ञा दी के साथ है। प्रज्ञा दी आपसे प्यार करती है, आपको जाना चाहिए था। आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो मेरे पति हैं। शादी ही गलत, हम दोनों की सबसे बड़ी गलती। दिशा, पता है जिंदगी में चीजें होती है जो आपके समझ के परे होते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही नहीं, लेकिन गलत भी तो नहीं है ना। तुम रिलैक्स करो दिशा, तुम क्यों अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो? देखिए, आपकी बातें मेरी सोच से परे है, मैं नहीं समझा सकती आपको। दिशा, मैं